हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा चलते हैं पॉइंट पे, हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, बिना फालतू बात नहीं करते। मैं ये मोबाइल लेकर आया हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ इसका। मैंने ये 15 दिन के बाद रिव्यू करना था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया उसके लिए, सॉरी गाइस। इसको 13 डे हो चुके हैं, 13 डे से भी ऊपर हो गया मोबाइल को। मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको कि मोबाइल कैसा है, आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इतना सा बता सकता हूँ आपको, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा मोबाइल कैसा है। और वीडियो को बीच में या वीडियो के लास्ट में कहीं पर भी मैं ये बता सकता हूँ कि कितनी बजे इसको मैं लाइव आऊँगा मैं यूट्यूब पर, और मैं कौन से विनर को ये गिफ्ट करूँगा मैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, ओके। तो मैं बीच में भी इसको बता सकता हूँ कि कब आऊँगा लाइव, और बताऊँगा कि कब मैं इसको मेरे प्यारे से एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूँगा। तो हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। कैमरे की बात आ जाती है तो कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा वाला है, फ्रंट 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा। और बैक कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, सोनी का सेंसर है। कैमरे के मोबाइल की बात करूँ ना तो मैं 5 स्टार दूँगा इसको। नेचुरल फ़ोटो निकालता है, जो भी फ़ोटो वगैरह होती है नेचुरल निकालता है, मतलब कलर वगैरह में इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो है जैसा ही इसमें फ़ोटो में आया है, आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैमरे की बात होगी, कैमरे को मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। बैटरी की बात है, बैटरी 5000 mAh की बैटरी है इसकी, 60 मिनट 70 मिनट लगेंगे इसको फुल चार्ज होने में, 0 से 100% चार्ज होने में 60 मिनट या 70 मिनट लगेंगे। और ये बैकअप देगी पूरी, 1 दिन चलेगा ये मोबाइल। बैटरी बैकअप मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, मैंने करीबन इसको महीने भर अच्छे से चला लिया, इसको नॉर्मल यूजिंग की है मैंने, इसके अंदर गेमिंग वगैरह भी चलाया है और कॉलिंग वगैरह, सॉन्ग वगैरह, वीडियो वगैरह, ये सब कुछ चलाया है हमने, तो अच्छा लगा मुझे ये बैकअप अच्छा है इसका। दूसरी चीज़ हो गई है बैटरी की, तीसरी चीज़ आ जाती है इसका अंदर जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है, 678 प्रोसेसर है, प्रोसेसर तो अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, एक और चौथी चीज़, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसकी। MI ने पहली बार कम दाम में, कम प्राइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले निकाली है मोबाइल में, तो इसकी डिस्प्ले को भी मैं 5 स्टार देता हूँ। मैं सबको 5 स्टार दे रहा हूँ, और जिसको मैं 0 स्टार दूँगा वो भी बताऊँगा आपको। इसके अंदर ये नहीं कि नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव भी पॉइंट है इसके अंदर, हो गया क्लियर। अब इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं हम। इसकी 6.5 इंच की इसकी बड़ी स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन भी अच्छी है, छोटी नहीं है, बड़ी है। और इसका लुक देख लेते हैं, आपको लुक दिखाता हूँ। लुक बहुत अच्छा लगा मुझे इसका, ऑसम। इसका कवर है जो मार्केट में आता है उससे अच्छा कवर है, कंपनी अच्छा कवर देती है। मेरे को बहुत सारे भाइयों ने पूछ लिया यार कौन सा मोबाइल है यार, कूल दिखता है मोबाइल। मैंने अभी तक ये इसकी ये भी नहीं निकाली है, भाई यार जिसको भी दे रहा हूँ मैं वो निकाल लेना इसको, देखिए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा है ना। इधर भी इसका स्पीकर है और इस साइड में भी स्पीकर है इसके, मुझे नहीं पता था दोनों साइड में स्पीकर है इसके, लेकिन मोबाइल जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी तब पता चला मेरे को, होगी दोनों साइड स्पीकर, इसके इधर और इधर, लेफ्ट और राइट में स्पीकर है इसके अंदर। और जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छे से काम करता है इसके अंदर, और जो इसका लुक दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा जब हम बात करते हैं फ़ोन पे तो कैसा लगता है आप खुद देखिए लुक इसका, इस तरह से देखो। हेलो वेलकम बैक टू, दिख रहे हो कैसे लग रहा है, ऐसे फ्रंट में से पकड़ो उसके ऐसे करो तो सुपर कूल लगता है मोबाइल, इसे देखो कैसा लग रहा है, कूल लग रहा है। फेस अनलॉक अच्छा काम करता है इस मोबाइल का, ये तो इसको थी जो खास खास चीज़ें थी वो मैंने बता दिए, सब कुछ अच्छे से बता दिया। ये है 4 GB और 64 GB स्टोरेज का है। इसके बाद नेक्स्ट है 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज वाला। तो आप मेरी बात मानो, अगर गेमिंग वगैरह के लिए ले रहे हो ना आप, तो आप 8 128 का
वो वेरिएंट ले लीजिए आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं उसको 5 में 500 दूंगा, मैं 5 स्टार दूंगा मैं उसको रैंक। लेकिन जो ये गेमिंग वगैरह करोगे या फिर थोड़ा सा हार्ड काम भी करोगे आप, तो ये थोड़ा सा लेगिंग होगा, इसके लेग प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर रैम कम है यार। अच्छा खासा दिया है मोबाइल, अच्छी बात है, इसके अंदर थोड़ी सी रैम कम है। कैमरा क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है, इसलिए मैं इसको इस मामले में ये थोड़ा सा लेग करता है, इसलिए मैं इसको 3 स्टार दूंगा, इसको 5 स्टार नहीं 3 स्टार। थोड़ा लेगिंग की प्रॉब्लम है इसके अंदर, लेग करता है। अगर आप 128 GB का लेते हो आप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हम फाइनली अब बात कर लेते हैं। आपको इंतज़ार है ना, इसीलिए हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर ग्लास कार्ड वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया भाई, जिसको भी मैं दे रहा हूँ मोबाइल, लाइव आऊँगा मैं। और मैं कब आऊँगा लाइव? 10 तारीख को आ रहा हूँ मैं लाइव, 4 बजे 10 तारीख को आ रहा हूँ 4 बजे लाइव। तो उस समय विनर का नाम अनाउंसमेंट करूँगा मैं, और विनर का नाम अनाउंसमेंट मैं किस तरीके से करूँ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर आप इस तरीके से करूँ, ताकि कोई नाराज़ ना हो मेरा सब्सक्राइबर। मैं चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर जो भी है कोई नाराज़ ना हो, उस तरीके से मैं इसको गिव अप करूँ मैं इसको, ताकि सारे सब्सक्राइबर मेरे खुश रहें और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जिसने जो मेहनत की है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सरप्राइजली बात ये और है, आपके लिए एक सरप्राइज़ और है। मैं इसको गिव अप करूँगा और उसके बाद Redmi Note 11 लॉन्च होगा, उसको ले कर आऊँगा मैं, और उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, और कुछ दिन बाद में उसका रिव्यू करूँगा, और उसको भी मैं अपने एक प्यारे सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूँगा। मैं अपनी तरफ से मैं YouTube पर वो हंगामा करूँगा जो आप सोच ही नहीं सकते हो। तो तैयार हो, एक्साइटेड हो, तो 10 तारीख को आप सभी फ्री हो जाइएगा, 4 बजे मैं लाइव आऊँगा, 4 बजे और 4:30 बजे के बीच में सब कुछ हमारा प्रोग्राम वगैरह होगा, और मैं उसका नाम अनाउंसमेंट करने वाला हूँ सब कुछ। तो आपको बने रहना है मेरे YouTube चैनल पर, और जो लंबे टाइम तक बने रहेगा, एक्टिव रहेगा, मैं उसके लिए अलग से सरप्राइज़ रखूँगा, अलग से उसके लिए गिफ्ट भिजवाऊँगा। और जो एक्टिव नहीं रहेगा, सिर्फ सब्सक्राइबर करके चला जाता है, उसके लिए भाई तू अनसब्सक्राइबर करके चला जा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे फैमिली बनानी है, एक पावरफुल फैमिली। तो जुड़िए और शेयर कीजिए वीडियो को, देखिए मत शेयर कीजिए यार, ये तो गलत बात है, शेयर कीजिए। और फैमिली बहुत छोटी है हमारी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप ये फैमिली बड़ी बन सके। और ये फैमिली जिस दिन बड़ी बनेगी ना, उस दिन हम पावरफुल हो जाएंगे, कहने का मतलब है बड़ी फैमिली, लेकिन एक्टिव फैमिली चाहिए। ओके, सभी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, तो मिलते हैं हम 10 तारीख को। ओके?